तो दोस्तों आपको आज के छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत की जो जो नई स्टार्टअप कंपनी है, जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, उनको आने वाले समय में और कितना फायदा होने वाला है, वो आईपीओ में कितना फायदा उठाने वाली है। और मैं बताऊंगा आपको बिटकॉइन के बारे में, मैं बताऊंगा आपको भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े पोस्ट में जा रहे हैं, उनमें से किसी एक बंदे के बारे में बताऊंगा। छोटी सी वीडियो है, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें आपका मेरे चैनल टेक सही व्यापार में। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली जो खबर है वो ये है कि भारत के KPMG के कॉरपोरेट फाइनेंस हेड श्री निवासम बालासुब्रमण्यम ने ब्लूमबर्ग से कहा है कि डिजिटल कंपनी इन इंडिया विल रेज अबाउट $10 बिलियन थ्रू IPO इन नेक्स्ट 6 मंथ। $10 बिलियन कितना होता है आपको पता है? ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये इतना रुपया होता है। वो बोलते हैं कि ये पूरा कारण क्या है, क्योंकि जो आपके ट्रंप थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके टाइम पे लास्ट में नोट काफ़ी छापा गया, डॉलर्स काफ़ी छापे गए, जिससे कि वर्ल्ड के बहुत सारी जो स्टॉक एक्सचेंज उनको फ़ायदा हुआ, उनमें भारत सबसे ज़्यादा फायदा उठा। तो दूसरी न्यूज़ है भारत के लिए, रेडिट हैज़ नेम्ड पाली भट्ट द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन एट गूगल क्लाउड एज कंपनीज फर्स्ट चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। वैसे भी हमारे देश के गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, पेप्सी में कई है ऐसे जो हमारे देश के विद्वान लोग हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े पोस्ट में और कंपनीज चला रहे हैं। तो तीसरी न्यूज़ ये है कि अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए दैट बिटकॉइन सरपासेस $57,000, जो कि मई के बाद बहुत समय बाद ये इतने ऊंचे पॉइंट पे पहुंचा है। तो भैया बिटकॉइन इज अपीयरिंग टू बी अ बेटर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन देन गोल्ड। तो चौथी न्यूज है, मिलिंद लक्कड़ जो कि TCS HR हेड ने कहा कि उनकी कंपनी फ्रेशर्स को उनके कंपनसेशन को खुद डिसाइड करने को बोलती है, ना कि वो बोलते हैं। तो ये सब छोटी सी जानकारियां थी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। मेरी तरफ से बाय बाय।